हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। पिछले सबक में हम लोग पढ़े थे सेल के अंदर में जो सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो जैसे के माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल्स। इसमें हम जो है पिछले क्लास में हम पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी और प्लास्टिड्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स बच गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। तो आप लोग खोलिए पेज नंबर 55 सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम जो है, सबसे पहले ये याद रखने वाली बात है कि सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। जैसे प्लास्टिड्स जो है, जैसे प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है, उसी तरह से सेंट्रोसोम जो है प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है और गोल दिखाई देता है। ये इसकी शक्ल कैसी होती है? गोल होती है और ज्यादातर ये न्यूक्लियस के पास होते हैं। अच्छा, जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल का डिवीजन होता है तो उस वक्त सेंट्रोसोम के अंदर में सेंट्रियोल्स जो है बनते हैं और ये सेंट्रियोल्स जो है सेल के दोनों किनारों पर जो है चले जाते हैं और वहां पर स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। मतलब इस तरह का हम आपको जैसा नक्शा में दिखला दे रहे हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए कि सेल है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोसोम होता है वो यहां पर चले जाते हैं, सेंट्रियोल्स। यहां पर सेल का जब डिवीजन होता है तो सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल होता है वो ये इस किनारे पर चले आते हैं और इस किनारे पर चले आते हैं। और ये जो देख रहे हैं इस तरह का ये जो बना हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। अब इसका हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। इसका फंक्शन क्या है? ये खुलिया के तकसीम के दौरान रेशे पैदा करके क्रोमोसोम के बंटवारे में मदद करते हैं। मतलब सेल का जब डिवीजन होता है तो उस वक्त क्रोमोसोम का जो है डिवीजन होता है, सेपरेट हो जाता है। अब इसके बाद है लाइसोसोम। ठीक है, 1955 में डी डुबे नामी साइंसदान ने इसकी दरियाफ्त की थी। इसमें बहुत से जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसमें किस सेल ऑर्गेनल्स को किस साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह खून के सफेद खलियों में खासी तादाद में पाया जाता है। तो लाइसोसोम कहां पाया जाता है? लाइसोसोम हमारा जो ब्लड है, ब्लड में आरबीसी भी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है। तो आरबीसी के अंदर में जो है ये ज्यादा मिकदार में जो है ये लाइसोसोम पाया जाता है। अब इसका फंक्शन देखिए क्या है। खून के सफेद खलियों में दाखिल होने वाले बिरोनी प्रोटीन बैक्टीरिया और वायरस को हजम करके खत्म कर देते हैं। देखिए हमारे हम नाक के जरिया, गजा के जरिया जब वायरस और बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, जो बहुत ही मुजिर और हमको नुकसान पहुंचाते हैं, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर में जो लाइसोसोम होता है ये उसको किल करके हमारे जिस्म को जो है हिफाजत करता है। ठीक है, अच्छा एक और फंक्शन इसका देखिए कि गजा की बहुत ज्यादा कमी होने पर, जब गजा की किल्लत हो जाती है खुलिया में जो है ना रिक्विजिट क्वांटिटी में जब गजा नहीं पहुंचता है, तो उस वक्त ये लाइसोसोम क्या करता है कि अपने ही सेल के अंदर में जो ये ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं जैसे राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिक गॉल्गी बॉडी, इसी को क्या करते हैं ये खा जाता है। ठीक है, इसी को ये खा जाता है जिससे क्या होता है सेल का जो है मौत हो जाता है। और सेल के अंदर में जो सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, गजा जब कम हो जाता है सेल के अंदर में, जब काफी मिकदार में गजा नहीं पहुंचती है, तो ये लाइसोसोम उन्हीं सेल ऑर्गेनल्स को ये खाकर हजम कर जाती है जिससे सेल की मौत वाके हो जाती है। इसी बिना पर लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम देखिए, राइबोसोम निहायत ही छोटे छोटे गोल जर्रात हैं जो साइटोप्लाज्म में आजादाना तौर पर पाए जाते हैं। अच्छा,
राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ तस्वीर में देखिए, यहाँ पर पेज नंबर आपका 55 में देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है राइबोसोम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तस्वीर देखिए। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही देखिए गोल 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 जर्रात जो है उसके साथ चिपके हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपका रहेगा तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम जब उसके साथ चिपका नहीं रहेगा, अलग रहेगा, अलग आजाद तौर पर पाए जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने मतलब है कि राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपके भी रहते हैं और उससे अलग भी जो है पाए जाते हैं। अच्छा, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, दिया हुआ है कि हर राइबोसोम दो टुकड़ों से मिलकर बना होता है। यहां पर देखिए पेज नंबर 56 में दिया हुआ है, ये वाला तस्वीर देखिए, हर राइबोसोम दो टुकड़े से मिलकर बना होता है, उसमें से एक टुकड़ा बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, आरएनए का मतलब हुआ राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसका फंक्शन देखिए, इनका काम प्रोटीन तैयार करना है। इसके अलावा ये चर्बी के मेटाबॉलिज्म में भी हिस्सा लेते हैं। तो ये इस तरह से इसमें आपको याद रखना हो कि इसके शक्ल कैसे होते हैं, किस चीज के बने होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है और कहां पाया जाता है, सेल के किस समय पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। 1953 में पोर्टर ने इसे दरियाफ्त किया था। ये नहायत ही बारीक ऑर्गेनेल है जिसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही माइक्रो है, बहुत ही छोटा होता है, ये आम माइक्रोस्कोप से इसको हम नहीं देख सकते हैं, इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में यहां पर देखिए दिया हुआ है, यहां पर पहला इसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में देखिए सिस्टर्न लिखा हुआ है। ये लंबी नली और पतली चपटी होती है। अब दूसरा दिया हुआ है वेसिकल्स, ये देखिए वेसिकल्स है, ये अंडानुमा है और उसके अंदर खाली जगह है, मतलब खोखला होता है। ठीक है, ये बैजावी और खोखली शक्लें हैं। और तीसरा है ट्यूबुल्स, ये लंबी शाखदार नली जैसे शक्ली होती हैं। तो इसका तीन शक्ल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स। अगर इसमें आपको ठीक से नजर नहीं आया तो आप किताब में देख लीजिए, किताब में इसका नक्शा दिया हुआ है पेज नंबर 56 में। अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो किस्म का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको किस बिना पर कहा गया है, राइबोसोम के वजह से इसको कहा गया है। जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपका होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपका नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद देखिए, इसका रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, एक जाल। ठीक है, एक जाल, ये मैंने सेल के अंदर में जो है ये एक जाल की तरह दिखाई देता है, जाल की तरह। अब इसका फंक्शन क्या है देखिए, इसका फंक्शन है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान कीमियाई मादों के तबादले मददगार होता है। हम जानते हैं कि सेल के अंदर में न्यूक्लियस भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से कोई भी मादा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के तरफ या न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म की तरफ जो भी आता है
तो इसके आम जो रफत में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ताउन करती है, मदद करती है। और दूसरा देखिए फंक्शन दिया हुआ है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर मौजूद राइबोसोम्स प्रोटीन तैयार करते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन तैयार करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोजन, लिपिड्स और कोलेस्ट्रोल तैयार किए जाते हैं। तो ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। अब मेरा बच गया वैक्यूल्स, ठीक है। आप लोग प्लांट सेल का एक बार तस्वीर देखिए, आइए पेज नंबर 49 में, ये वाला तस्वीर देखिए। तो ये देखिए इसमें जो बीज का जो बड़ा हिस्सा जो मैंने खाली जगह की तरह नजर आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स। और एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स छोटी शक्ल में पाया जाता है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है सेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स सेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि वैक्यूल्स क्या होता है। वैक्यूल्स सेल के अंदर एक खाली जगह पाई जाती है जिनको हम वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल में पानी जैसा एक रकीक भरा होता है जिसको सेल का खुलिया का रस कहते हैं। और जो वैक्यूल्स है वो वैक्यूल्स में के अंदर में खाली जगह में रकीक भरा होता है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड मात्र जिसको हम सेल सैप, क्या बोलते हैं, सेल सैप, सेल सैप। ये सेल सैप क्या है? ये सेल सैप कुछ नहीं है, जड़ जो है मिट्टी से जो पानी जो ड्रॉ करती है और उसके साथ जो मिनरल्स भी जो ड्रॉ करती है, तो यही पानी और जो मिनरल्स है माने मादनियार, वही जो सेल के अंदर में पहुंचते हैं। तो वैक्यूल्स के अंदर में वही कुछ रहता है, माने जड़ के जरिया खींचा हुआ पानी और पानी के साथ जो मादनियार जाता है वही जो इस सेल के इस वैक्यूल्स के अंदर में मौजूद होता है, इसी को हम लोग सेल सैप बोलते हैं। अब इसका देखिए फंक्शन क्या है। तो एक नंबर, ये शुक्र नमकिया और हयाती तेजाब को जमा रखते हैं, मतलब इसके अंदर क्या है, जो भी मादनियात है और शुक्र है यानी शुगर जो है इसको ये जमा कर स्टोर करता है। उसके बाद देखिए खुलिए की इखराजी मादे वैक्यूल्स में जमा रहते हैं, मैंने खुलिए के जो भी इखराजी मादे हैं जो कि सेल को जरूरत नहीं पड़ता है वो वैक्यूल्स में जमा रहते हैं। अच्छा, तीसरा फंक्शन देखिए, ये खुलिए का ऑस्मोटिक दबाव बरकरार रखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग जब चैप्टर में जाएंगे ऑस्मोसिस चैप्टर में, तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है वहां पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। चार नंबर फंक्शन देखिए, वैक्यूल में जमा पानी के दबाव से पौधे सीधे खड़े रह पाते हैं, मतलब पौधा जो सीधा खड़ा रह पाता है उसका वजह यही है कि सेल के अंदर में वो जो वैक्यूल में पानी जो जमा रहता है। तो इस तरह से ये कुछ अहम फंक्शंस है। तो हम लोग जो है आज जो है पूरा इसको कवर कर लिए कि सेल के अंदर में जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं हम लोग जान गए, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज, प्लास्टिड, सेंट्रोजोम, लाइसोजोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक वैक्यूल्स, इसके बारे में मुख्तसर हम पढ़ लिए, इसके शक्लें कैसी होती है, कहाँ पाया जाता है और इसके कुछ अहम काम हम जान गए। तो हमको इस सेल चैप्टर में जो है इन्हीं बातों को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सेल में जो है सबसे पहले जो है एक सेल वॉल होता है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, और उसके बाद एक सेल मेम्ब्रेन भी होता है। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल का बाहरी हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से शुरू होता है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क है और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या फर्क है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक प्लांट सेल लिखा हुआ है, यहाँ पर एनिमल सेल का कॉलम बना हुआ है। तो प्लांट सेल में सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल,
प्लांट सेल में सेल वॉल यानी सेल की दीवार मौजूद होती है, एनिमल सेल में एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल मौजूद नहीं होता है, ठीक है। उसका पहला कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन। दो नंबर फर्क देखिए, प्लांट सेल के अंदर में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिपोप्लास्ट, तीन किस्म के होते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिक्स एब्सेंट होते हैं, गैर हाजिर होते हैं, गैर मौजूद होते हैं। तीन नंबर डिफरेंस देखिए, वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बड़ा लार्ज किस्म का होता है, ठीक है। सेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कवर किया हुआ रहता है, जबकि एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है स्मॉल होता है। चौथा फर्क देखिए, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, ठीक है। सेंट्रोजोम अभी हम बता चुके हैं कि सेंट्रोजोम के अंदर में सेंट्रियोल्स पाया जाता है। जब सेल डिवीजन होता है तो वही सेंट्रियोल्स सेल के दोनों किनारों पर चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं, और एनिमल सेल में जो है सेंट्रोजोम पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया। तो ये चार डिफरेंसेस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल? तो सबसे पहले देखिए, यूकैरियोटिक सेल के घर में देखिए न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जिस सेल के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाएगा उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, गैर मौजूद होता है, ठीक है। तो जिस सेल में न्यूक्लियस गैर मौजूद है उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। दो नंबर फर्क देखिए, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें तमाम सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे गॉल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल वगैरह वगैरह। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज ये नहीं पाए जाते, ये गैर हाजिर होते हैं। अच्छा, अब यूकैरियोटिक सेल्स के मिसालें कौन से हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स के मिसालें कौन है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तकरीबन ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर ये सभी यूकैरियोटिक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के मिसाल क्या है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो है इनकी मिसालें हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, मतलब इनका बॉडी जो है प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये तीन मिसालें हैं, सॉरी ये तीन डिफरेंसेस हैं यूकैरियोटिक सेल्स का प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो आज का ये मेरा यहाँ पर जो सेल का चैप्टर है वो खत्म होता है। हम एक बार शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है। सेल के डेफिनेशन, सेल का शेप, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या फर्क होता है, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस, फिर प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंसेस, फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों में कौन कौन सा जो है कॉमन सेल ऑर्गेनल्स है, इन दोनों में कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब जो जो सेल ऑर्गेनल्स प्लांट सेल या एनिमल सेल में पाए जाते हैं उसका लोकेशन क्या है, उसकी शक्लें क्या है और उसके चंद अहम जो है फंक्शंस क्या है, बस इस चैप्टर में यही याद रखना है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।